इंटरनेशनल डिफेंस अपडेट में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मिलकर रूस परमाणु हथियार नियंत्रण संधि को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, जिसे कि हम स्टार्ट के नाम से जानते हैं। ये संधि 2 सप्ताह में खत्म होने वाली है, यानी कि न्यू स्टार्ट संधि बरकरार रखने के लिए रूस और अमेरिका के अधिकारियों के बीच महीनों वार्ता हो चुकी है, लेकिन ये विफल रही। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से बात न बन पाने पर रूस अब बाइडेन प्रशासन के साथ संधि बरकरार रखने के लिए वार्ता कर सकता है। ये संधि 5 फरवरी को खत्म हो जाएगी। इसके बाद दोनों देश अपने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाने के लिए स्वतंत्र होंगे। वैसे ही बाइडेन ने न्यू स्टार्ट पॉलिसी को लेकर सकारात्मक बयान दिया है। जब वे अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे, तभी संधि के संबंध में वार्ता हुई थी, जबकि रूस ने कहा कि वो पुरानी संधि को शीघ्र और बिना शर्त आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि रूस चाहता है कि अमेरिका के साथ संधि बनी रहे और धरती पर हथियार नियंत्रण बना रहे। साथ ही रूस ने कहा कि बाइडेन न्यू स्टार्ट ट्रीटी के इच्छुक हैं और 5 फरवरी से पहले इस बात पर भी काम करना चाहते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी 5 साल के लिए और बढ़ सकती है। इसकी अवधि बढ़ने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी इच्छा जता चुके हैं। अमेरिकी वायुसेना के दूसरे B-21 रेडर स्टेट बम्बर की पहली उड़ान 2022 में होने की उम्मीद है। विमान वर्तमान में कैलिफोर्निया के पामडेल में नॉर्थरोप ग्रूमैन की सुविधा में बन रहा है। साथ ही अमेरिकी वायुसेना ने कहा कि दिसंबर 2021 में पहली बार ये गुप्त B-21 उड़ सकता है। वायुसेना की एक मैगजीन के अनुसार अगले साल की शुरुआत में पहले रेडर को उतारा जा सकता है, हालांकि अभी तक अंतिम यानी कि फाइनल असेंबली में नहीं पहुंचा है। अमेरिका ने कहा कि वो इस कार्यक्रम के तहत बिजनेस क्लास के जेट्स का उपयोग कर रहा है, खास करके एवियोनिक्स परीक्षण। एवियोनिक्स और सब सिस्टम को वास्तविक बॉम्बर में लोड करने से पहले सैरोगेट विमान में इसे डिबग किया जा रहा है। ये लॉकेट मार्टिन के कोऑपरेटिव एवियोनिक्स टेस्टबेड एयरक्राफ्ट के अनुरूप है। 2018 में बॉम्बर्स इनलेट और सर्पेंटाइन डक्टिंग से संबंधित थ्रस्ट इशू तय किए गए थे। अमेरिकी वायुसेना 2026 या 2027 के आसपास B-21 को चाहती है। रूस की सेवामा शिपयार्ड ने परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण के लिए एक न्यू ब्लॉक मॉडलर मेथड को विकसित किया है, जो कि परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण की अवधि को 18 महीने तक कम कर सकती है। सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो मेलखिट और रूबिन के विशेषज्ञ, साथ ही सेंटर फॉर शिप बिल्डिंग एंड शिप रिपेयर टेक्नोलॉजी इस परियोजना पर काम कर रहे हैं। सेवामा वर्तमान में एकमात्र रशियन एंटरप्राइजेस है जो चौथी पीढ़ी की परमाणु पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है। प्रोजेक्ट 955 और प्रोजेक्ट 955A बोरी क्लास और प्रोजेक्ट 885 यसिन क्लास बोट्स पर काम चल रहा है। आपको बता दें कि औसतन किसी भी इस तरीके की पनडुब्बी के निर्माण में 7 से 8 वर्षों का समय लगता है। मिड कॉर्पोरेशन ने एक फाइटर के अधिकतम उड़ान मोड को सीमित करने के लिए एक प्रणाली को विकसित और पेटेंट किया है, ताकि उसे एक टेल स्पिन में शामिल होने से रोका जा सके। ये प्रणाली वर्तमान में यूएसए रूस की एक रिपोर्ट के अनुसार MiG-35 MiG-29M/M2 में लागू है। मिग कॉर्पोरेशन के प्रबंधक ने बताया कि उड़ान के दौरान पायलट की सुरक्षा और आराम हमारे डिजाइनरों और इंजीनियरों के लिए एक प्राथमिकता का लक्ष्य है। पेटेंट इंटीग्रेटेड सिस्टम मिग फाइटर्स के सामरिक और तकनीकी प्रदर्शन में सुधार करता है। साथ ही मिग कॉर्पोरेशन के प्रबंधक ने बताया कि लड़ाकू विमानों के पिछले मॉडल में पेटेंट इंटीग्रेटेड सिस्टम मिग फाइटर्स के टैक्टिकल और टेक्निकल परफॉर्मेंस में सुधार करती है। अब वे अपने विदेशी समकक्षों से काफी आगे निकल गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम पिछले 5 सालों से मैनुअल एयरक्राफ्टों के उड़ान मोड में लिमिटर में सुधार कर रहे हैं। लड़ाकू विमान के तकनीकी गुणों को बिगाड़े बिना पैतरेबाजी यानी कि मैनुअलिटी के पूरे क्षेत्र में लिमिट पैरामीटर्स के भीतर रखना आवश्यक था। परीक्षण कई उड़ान मोड में किए गए थे और हमें विश्वास है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय इस साल के अंत तक 5वीं पीढ़ी के SU-57 फाइटर्स को प्राप्त करेगा। सूत्रों के अनुसार 5वीं पीढ़ी के 5 फाइटर्स SU-57 को इस साल रूस के सशस्त्र बलों को सौंपा जाएगा। SU-57 को सुखोई कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था और इसे कॉस्मोलस्ट ऑन आर्मर एविएशन प्लांट में उत्पादित किया गया है। ये 5वीं पीढ़ी का मल्टीरोल विमान है जो लंबी दूरी के लिए और नजदीकी रेंज की लड़ाइयों में सभी तरह के हवाई ठिकानों को नष्ट करने और दुश्मन के जमीनी और सतह के लक्ष्य को हराने और वायु रक्षा प्रणाली को मात देने के लिए बनाया गया है। इसकी पहली उड़ान 29 जनवरी 2010 को हुई थी। पहले सीरियल SU-57 को 2019 के अंत में रूसी रक्षा मंत्रालय को सौंपने की योजना बनाई गई थी, लेकिन डिलीवरी से पहले परीक्षण उड़ान के दौरान ये जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। रूसी सेना को 2028 तक 76 SU-57 फाइटर जेट्स प्राप्त करने की उम्मीद है।
तुर्की ड्रोन निर्माता बायकर ने एक वीडियो साझा किया है जिसमें कि बायकर वर्टिकल टेक ऑफ सर्विलांस यानी कि यूएवी प्रोटोटाइप सामने आया है। बायकर वर्टिकल लैंडिंग के अलावा मानव रहित एरियल व्हीकल 3 फ्लाइंग कार के प्रोटोटाइप और बायकर टीवी 2 शिना सिस्टम जो कि 2021 में तुर्की इन्वेंट्री में प्रवेश करेंगे। बायकर DIHA का इस्तेमाल टोही और खुफिया मिशनों के लिए किया जा सकता है। इस वाहन में कई क्षमता है जैसे कि ऑटोमेटिक क्रूज फ्लाइट, ऑटोनॉमस टेक ऑफ, ऑटोनॉमस लैंडिंग और सेमी ऑटोनॉमस क्रूज फ्लाइट। इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स के साथ बायकर DIHA को उतारने के बाद ये क्रूज फ्लाइट मोड में बदल जाएगा और केवल फ्यूल इंजन ही क्रूज फ्लाइट मोड में सक्रिय होगा। लैंडिंग मोड के लिए 3 अलग अलग ऑप्शन है जिसमें कि वर्टिकल लैंडिंग, लैंडिंग ऑन द हल और लैंडिंग विद पैराशूट है। इस एयरक्राफ्ट में फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है जो ऑटोमेटिक रूट ट्रैक कर सकता है और अपने लक्ष्य पर नजर रख सकता है। इसके अलावा घेरा बना सकता है और रिटर्न होम मोड्स इसमें शामिल है। इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन है जिसमें कि 150 किलोमीटर इसकी कम्युनिकेशन रेंज है, 40 से 50 नॉट क्रूजिंग स्पीड है, 80 नॉट इसकी मैक्सिमम स्पीड है, 9000 फीट ऑपरेशनल एल्टीट्यूड है, 15000 फीट का एल्टीट्यूड सीलिंग है, 12 घंटे का एयरबॉर्न टाइम है, इसका विंग स्पैन 5 मीटर का है, 1.5 मीटर इसकी लेंथ है, ये वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है 30 किलोग्राम के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट के साथ, साथ ही 5 किलो यूजफुल लोड कैपेसिटी इसमें दी गई है। इसके अलावा ये फुल्ली ऑटोमेटिक फ्लाइट सिस्टम है और इसमें ऑटोनॉमस टेक ऑफ और लैंडिंग सिस्टम भी है। इसके अलावा सेमी ऑटोनॉमस फ्लाइट मोड, फॉल्ट रेजिस्टेंट सिस्टम आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ईओ कैमरा मॉड्यूल, इंफ्रारेड कैमरा मॉड्यूल, लेजर रेंज फाइंडर, लेजर पॉइंटर, डिजिटल डेटा एंड वीडियो लिंक आदि शामिल है। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप इंटरनेशनल अपडेट्स। आपको कैसी लगी ये जानकारी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।